टेंथ क्लास, गुड मॉर्निंग। अभी आपका चैप्टर चल रहा था एडिशन का, ठीक है। अब हम आपको आगे का चैप्टर कराएंगे, आगे का पैराग्राफ जो भी। चलिए सबसे पहले मीनिंग नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से है आपका पैराग्राफ भी, मड मॉर्निंग से लेकर इन हिज एक्सपेरिमेंट तक, ठीक है। जब तक यहाँ की मीनिंग आप देख लीजिए। बैच वाचिंग माने ध्यान से देखना, पिक्ड अप माने उठा लिया, बॉर माने कीड़े मकोड़े, पोल्ट्री माने मुर्गी, हैचिंग माने अंडे, चिकन्स माने मुर्गी के बच्चे, सेम्ट माने तोड़ दिए, एक्सप्लॉइट माने गंदा कर लिया, शॉर्ट माने नेकर, रॉन्ग माने गलत, ठीक है। चलिए, वन मॉर्निंग ही बैच वाचिंग ए बर्ड, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप ए फ्लू वॉर्म इन हिज बीक एंड फ्लू अवे। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट्स वॉर्म। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वॉर्म, ही सेड टू हिमसेल्फ। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही कॉट होल्ड ए फ्यू वॉर्म, बीट देम इन टू ए प्लम्प and mixed it in water. He took the mixture to a servant girl and said to her, this is a wonderful mixture. If you drink this, you can fly like a bird. Come on, drink it and see. पहले इतना पैराग्राफ देख लीजिए। एक सुबह वह एक चिड़िया को ध्यान से देख रहा था। वह उड़कर नीचे ज़मीन पर आई, अपनी चोंच में कुछ कीड़े लिए और उड़ गई। इस बात से एडिशन को एक विचार दिया, चिड़िया इसलिए उड़ लेती है क्योंकि उसको वह कीड़े खाती है। उसने अपने आप से कहा, वह इस प्रयोग को किसी पर करना चाहता था, पास ले गया। ले मकौड़े उसने कीड़े पकड़े और कूट कर चटनी बना ली और उसने पानी में मिला दिया। वह इस मिश्रण को नौकरानी के पास ले गया, उससे कहा, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है, यदि तुम इसे पी लो तो तुम चिड़िया की भांति उड़ सकोगी, आओ इसे पी लो और देखो। देखो इतना क्लियर हो गया। आगे है, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर वेल, शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल। यंग एडिशन मदर वार्न्ड हिम नॉट टू टू सच सिली एक्सपेरिमेंट। बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया और उस मिश्रण को पी लिया। हाँ तो वह उड़ी तो नहीं परंतु बीमार पड़ गई। उस छोटे से एडिशन की माँ ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करेगा। ना क्लियर हो गया। आगे देखिए, वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, देयर ही सो ए हैन। It was sitting in on its egg. He asked his mother about it and she answered, the hen is hatching its egg. After some time chickens will come out of the eggs. Why cannot hatch egg? thought young Edison. The next morning he got a dozen eggs and sat on them. He got up after some time but he did not find away any chicken. He had only smashed the egg and spoiled his shot. He got a good beating from his mother that day. चलिए इसका क्लियर कर लेते हैं। एक बार वह अपनी माँ के साथ एक मुर्गी खाने को गया। वहाँ उसने एक मुर्गी देखी, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा तो उसने माँ ने उत्तर दिया, वह मुर्गी अपने अंडों को से रही है। कुछ समय के बाद इन अंडों में से चूजे निकल जाएंगे, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। नन्हे एडिशन ने सोचा। अगली सुबह वह एक दर्जन अंडे ले आया, उन पर बैठ गया। कुछ देर बाद वह उठ गया किंतु उसमें कोई चूजे नहीं मिले। उसने केवल उन अंडों को कुचल डाला और नेकर गंदा कर लिया। उस दिन उसे अपनी माँ से अच्छी पिटाई मिली। चलिए आगे देखते हैं। The a really funny boy, why not he? He failed in
all these experiments, but he had learned something from them. He had learned that his ideas were wrong. He was fond of books and read quite a lot of them. His father gave him 25 cents for every book he read. He read widely, and with the pocket money he bought more books and set up a small laboratory. His mother encouraged him and helped him in his experiment. वास्तव में वह एक हास्यास्पद लड़का था ना। वह इन सारे प्रयोगों में असफल हुआ, किंतु उसने कुछ तो सीखा था। उसने जान लिया था कि उसके विचार गलत थे। वह किताबों का शौकीन था और वह बहुत सी किताबें पढ़ता भी था। उसके पिताजी उसे एक किताब पढ़ लेने पर 25 सेंट दिया करते थे। उसने भांति भांति की किताबें पढ़ी और जो भी जेब खर्च उसे मिलता था उससे वह किताबें ले आता था, और उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। उसकी माँ उसको उत्साहित किया करती थी तथा प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी। दैट्स ऑल।